सो वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस, सचिन रेक्सवाल आज आपके लिए एक और वीडियो लाया, और ये वीडियो अपनी डीजल कार्स के ऊपर रहने वाली है कि डीजल कार्स कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन करती है, पॉल्यूशन के ऊपर रहने वाली है बेसिकली ये वीडियो। तो जो अपनी डीजल कार्स है वो मतलब मैं यही चीज़ दिखाना चाह रहा था, मैंने खुद एक वीडियो एक डीजल कार में देखी थी अमेज में, उसकी मैंने अभी रिसेंटली डिटेल्ड वीडियो भी डाली, उसमें भी मैंने वो चीज़ मेंशन करी है। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि जो डीजल कार्स है वो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं, तो और हमें वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, डीजल कार्स अवॉइड करनी चाहिए बेसिकली। और मेनली जब आप कहीं मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, कि मतलब दिल्ली NCR के रेडियस में आप कहीं रह रहे हो, तो मैं तो कहता हूँ कि अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे दिल्ली में ही, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। तो उसी बेसिस पे मैं एक अमेज थी, वो मैंने ऐसी उसमें एसेलेरेशन दिया तो बहुत ज़्यादा उसने ब्लैक स्मोक निकाला, बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक निकला उसमें से। तो मैंने सोचा कि मैं क्या यार ये शूट करना चाहिए, मतलब ये मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक दे रही है, तो क्या ये चीज़ दिखानी चाहिए वीडियो पे। तो मैंने वो उस टाइम पे फ्लो पे पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था, तो मैंने वो शूट कर लिया। फिर मैं जब उसको शूट कर रहा था, मतलब डिटेल्ड वीडियो जब रिव्यू बना रहा था उस वीडियो का अमेज की जब शूट कर रहा था, तो उस दौरान भी मैंने उस पर उस टाइम पे मैंने प्रॉपर दिखाया है, वो आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि मैंने एसेलेरेशन दिया है, और एसेलेरेशन कोई 5-6 हज़ार RPM तक नहीं दिया है, मैक्स टू मैक्स वो जो एसेलेरेशन गया होगा वो गया होगा 3000 RPM पे, मैक्स टू मैक्स जस्ट एसेलेरेट किया है और छोड़ दिया है, 3000 RPM पे जाके वापसी आ गया है। तो 3000 RPM पे इतना ज़्यादा ब्लैक स्मोक निकला है, इतना ज़्यादा ब्लैक स्मोक निकला है जिसका कोई मतलब आप भी देखोगे तो कहोगे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब पूरा वहाँ पे काला 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 एक काला बादल बन गया, इतना ज़्यादा ब्लैक स्मोक निकला। तो बेसिकली मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा उस दौरान इंजन से ही आया था, क्या है कि वो जो कार है वो बहुत स्टेबली चलती है, तो जो उसका ब्लैक स्मोक है वो उसके एग्जॉस्ट वॉल पे जम चुका था, और जैसे ही एसेलेरेट किया तो एकदम ही बाहर निकल के आया। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके आए हो, चाहे वो एकदम ही आ रहा हो, बट पॉल्यूशन हो रहा है, और जब बहुत सारी गाड़ियाँ मतलब डीजल में होंगी वो चले तो वो डेली फिर इतना ही पॉल्यूशन करेंगी, उसी हिसाब से पॉल्यूशन होगी। बाकी अगर आप ये कहोगे कि BS6 है या ऐसा कुछ, तो BS6 में भी भाई डीजल ही बर्न होगा, चाहे वो BS6 हो या कुछ भी हो, उसमें भी बर्न तो डीजल ही हो रहा है, तो पॉल्यूशन तो कुछ ना कुछ हद तक करेगा ही, और कुछ ना कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक पॉल्यूशन होगी। तो बाकी आप वीडियो देखो। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले मतलब ऐसे स्टार्ट करके और एक्सेलेरेटर दिया था, तो करीबन जो RPM था वो 3000 तक गया था, और 3000 तक इसने ना यहाँ से लेके और करीबन इतना एरिया सारा काला कर दिया था। मैं आपको वीडियो में वो डाल भी दूंगा, उसकी मैंने वीडियो बना ली थी, मतलब जिस टाइम पे किया था तब तो नहीं, बट उसके बाद मैंने वो वीडियो बना ली थी, जस्ट ही उसके बाद। अभी एक बार फिर से मैं करूँगा और देखते हैं कितना पॉल्यूशन अभी करती है। तो मेन चीज़ क्या है ना, ये चीज़ मैं पहले करता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। सेव कर दिया है, सेव मत चला। हाँ हल्का से करियो, बस बस रोक रोक दे नंदू, ये लियो, रुकियो रुकियो रुकियो, तेज दे तेज, और तेज और तेज दे, दे बस 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 बस, चल चल चल।
तो गाइस वीडियो आप देख ही चुके हो, और बाकी मैं यही कहूंगा कि अगर कोई एक बंदा एक दो बंदे भी मेरी इस वीडियो से इन्फ्लुएंस होते हैं डीजल कार ना लेने के लिए, अवॉइड करें डीजल कार्स को, तो मेरे लिए वर्थ इट होगी ये वीडियो। और स्टिल मैं तो ये कहूंगा कि डीजल कार ना लेके पेट्रोल या सीएनजी कार ले तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप achin.rexwal07 सर्च करके भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। टिल देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अचिन विद यू फॉर यू ऑलवेज। बाय बाय।